Assalamu alaikum. I would like to first thank Superior University for giving me an opportunity to speak with you guys here. And secondly, this is my second TED talk. And the only compulsion which keeps us regimented is the fact that we just have 18 minutes to give our narrative. I will present to you myself as the epitome of uncharted water. There's another word for it, it's called terra incognito. It's the one and the same thing. Aisi jagah, aapki ijazat se agar main Urdu mein bol lu, wo kya hai ki galti se Pakistan ki dastoor padhne ka ittefaq hua. और उसमें आर्टिकल 251 है उसमें लिखा था कि 15 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर उर्दू राइज की जाएगी तो आज 44 साल गुजर गए ये नहीं हो सका आई अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ टेडएक्स आई हैव नो क्वाम्स और प्रॉब्लम्स स्पीकिंग इंग्लिश और इसलिए मुझे अंग्रेजी बोलने का शुरू में ज़्यादा शौक था कि मेरे लिए सबसे पहला अनचार्टर्ड वाटर अंग्रेजी थी क्योंकि मैं पीले स्कूल की पैदावार था तो मेरे दाएं मेरे बाएं आसपास बड़े बड़े नीले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हुआ करते थे उनमें से किसी एक की दावत में बर्थडे में जाने का इत्तेफाक हो गया जिंदगी में पहली बार कोई लड़की पसंद आई शिरीन नाम था उसका फिल्म मेकर तो मैं बाद में बना लेकिन मुझे वो शाम इसलिए याद है कि जब वो ट्रे में बिस्किट्स लेके आ रही थी तो वो मेरी आंखों में स्लो मोशन था वो आए जा रही थी मैं देखे जा रहा था वो बिल्कुल मेरे करीब आ गई और उसने मुझे स्माइल देके कहा एक्सक्यूज़ मी और बाखुदा मुझे ये नहीं पता था एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होता है मैंने कहा नो थैंक यू मैं समझा मुझे बिस्किट ऑफर कर रही है मैं बहुत छोटा था उसके गिर्द जितने नीले स्कूल के बच्चे थे नो ऑफेंस टू दोज हु हैव गॉन टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आई ग्रेटली अप्रिशिएट दैट बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट मेरे वालदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो छोटा मैं बहुत था जब सारे मेरा मजाक उड़ाने लगे तो मैं उठा अपनी मैंने बाइसाइकिल ली और रोता हुआ मैं अपने घर तक बाइक चला के अपनी बाइसाइकिल गया और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने साथ दोबारा ये दिन नहीं लाऊंगा कि मुझे इस तरीके से मेरी तजलील की जाए उस जुबान की बुनियाद पर जो मेरी है ही नहीं दिस इज हाउ जब मैं आपको कहता हूं ना अनचार्टेड वाटर्स आई एम सेइंग दैट आई एम द एपिटोम आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ अनचार्टेड वाटर्स उसके बाद मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि जब मैंने यह तहिया कर लिया कि मैं सीखूंगा तो मेरी दूसरी अनचार्टेड वाटर आ गई मैंने एक अंग्रेज लड़की से दोस्ती कर ली दैट्स अनचार्टेड वाटर उससे पहले मुझे कोई अंग्रेज मिलता ही नहीं था बड़ा मुश्किल था हमारी कम्युनिकेशन वो इंग्लिश बोलती थी मैं फोन रख देता था क्या क्या बात करूं कभी कहता था अम्मी बुला रही हैं मुझे इतनी इंग्लिश उससे नहीं आई जितनी उसको उर्दू मुझसे बात करके आ गई ऑफकोर्स शी लेफ्ट मी ऑल्सो So this was the second uncharted water, right? मैं आगे जाना शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ जो मैं काम करता हूँ वो एपिटोम है अनचार्टेड वाटर का वो इसलिए है कि मैं हर रोज जब एक तो पहली चीज ये है वॉट इज अनचार्टेड वाटर वॉट इज टेरा इनकॉग्निटो द अननोन जो आपने ना देखा हो और हम रोज सुबह से लेकर रात तक ऐसी चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है हमें मसाइल दरपेश होते हैं जो वाकई हमने नहीं देखे होते और इस कमरे में देख लीजिए वी आर इनसाइड एन अनचार्टेड एनवायरनमेंट बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट इज बियॉन्ड दैट वॉल व्हाट इज बिहाइंड मी अदर देन द स्क्रीन बट व्हाट इज बिहाइंड दैट स्क्रीन इट इज अ मैटर ऑफ परस्पेक्टिव ये जो अभी हमारे एमिनेंट स्पीकर्स बात कर रहे थे आई एग्री बट द पॉइंट इज कि रूमी कितनी खूबसूरत बात कहता है रूमी कहता है व्हाई डू यू क्रॉल लाइक एन इंसेक्ट
when God gave you the wings to fly? Kyun? Kyun? Uncharted water is the basic manifest of being alive. Zinda rehne ka husn us cheez mein hai ki aapko ye na pata ho ki agla pal kya layega. Warna life boring ho jati, routine, har ek ko har cheez pata hoti, excitement khatam ho jati, innovation khatam ho jati, jiddat, jadojahd, hurmat, हुर्रियत, हरारत, हर चीज इंसान के रूह में से उसके वजूद से निकल जाती. Uncharted water, actually, my friends, is this, the young me, जिसको नहीं पता था. मेरा खुद इस दुनिया में आना uncharted था. मुझे तो नहीं मालूम था ना, लिखा गया था, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आऊँगा. पहले जिस्म आया और उसमें रूह फूंकी गई. वो जो रूह है, उसकी मैनिफेस्ट, उसकी क्वालिटी ही ये है कि आपको अगले पल का ना पता हो. और इंसान तरक्की इसलिए करता है कि वो ख्वाब देखता है. ख्वाब इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अनचार्टेड वाटर्स, थिंग्स दैट यू हैवंट सीन और डन बिफोर. वो कहते हैं कि खूबसूरत ख्वाब वो होते हैं जो रात को सोते हुए नहीं बल्कि दिन में देखे जाएं, लेकिन उनके पीछे फिर जुनून की हद तक भागा जाए, पढ़ा जाए. इट्स ब्यूटिफुल टू ड्रीम. मैं इसलिए कहता हूं, मैं हूं कि जो मेरा प्रोफेशन है, मैं हर रोज नए प्रॉब्लम के साथ उठता हूं. मेरा नया काम होता है, मेरी नया प्रोजेक्ट होता है, उसमें मैंने एक नया आइडिया लेके आना होता है. और वो आइडिया, चाहे मैं फिल्म बना रहा हूं, चाहे मैं डिजाइन कर रहा हूं, चाहे मैं स्ट्रैटेजी लिख रहा हूं, मैं कॉपी लिख रहा हूं, गाना लिख रहा हूं, एनीथिंग दैट आई डू, उससे पहले वो नहीं हुआ हुआ होता. इनोवेशन, जिद्दत, आइडिया, ये जिंदा मिसालें हैं अनचार्टेड वाटर्स की. बिकॉज आपने अपने शऊर से, अपने कॉन्शियस से निकलना होता है अनकॉन्शियस तक, लाशऊर में, और लाशऊर से जाके वापस लेके आना होता है. ये जो आपके अंदर ये एनर्जी होती है, ये मेटाफिजिकल एनर्जी जो होती है, ये वो अनचार्टेड वाटर है जो कि दुनिया की मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है. मुझे नहीं पता था कि मैं ये एक दिन कह रहा हूँगा. Whatever you do, do it from the heart, even if the world tells you you're not wrong. We weren't born to spend the rest of our lives trying to prove to the world that we are right or they are wrong. होई मोहब्बत रब दे नाल झुम भुलिया घुम पागल पागल लोकी आखण भुलिया आहो आहो आख. डोंट डू नॉट गो विद योर फ्लो. समंदर पे कभी जाएं. आज हसन से मैं मिला, बता रहा था कि हम गए, हम मुझे ग्वादर बहुत अच्छा लगा. और फिर खुद ही बोलता है कि शायद समंदर मैंने पहली बार देखा. और कभी समंदर पे जाएं या समंदर के रहने वाले लोगों से पूछें तो एक जाल फेंक दिया जाता है, लातादाद मछलियां आपके जाल में आ जाती हैं. लेकिन ट्राउट, जब आप ट्राउट के शिकार पे जाते हैं तो आपको एक लाइन फेंक के काफ़ी वक्त उसका इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि वो करंट के अगेंस्ट जाती है. इट गोज एंड स्विम्स अगेंस्ट द करंट. दैट माई फ्रेंड्स इज अनचार्टेड वाटर. एंड आई विल टेल यू, अनचार्टेड वाटर ये होता है कि जब शहजाद नवाज जेब में पैसे लेके अमेरिका पढ़ने चला जाए, वहां होमलेस हो जाए. मैं तो तैयार नहीं था रोडों पे सोने के लिए. मैं छोड़ सकता था पढ़ाई. अनचार्टेड वाटर ये है कि जिस चीज, अब इंसान को मैं इसलिए जरूरी है, आप जो यंगस्टर्स हैं, कि देखिए दो चीजें इंसान के अंदर खौफ पैदा करती हैं. नंबर वन, मेरे नज़दीक नतीजा, कॉन्सिक्वेंस, होगा क्या. नंबर दो, जिस चीज़ के बारे में आपको मालूम ना हो. और अगर आप इसको घुमा के इस तरह देख लें कि अल्लाह ताला ने, हम में से जो यहाँ मुसलमान बैठे हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल कम्युनिटीज एंड ऑल रिलीजन्स, बट आई बिलीव मोर और लेस ऑल रिलीजन्स, लिविंग रिलीजन्स इन द वर्ल्ड टीचर्स द सेम थिंग. तीन चीज़ें,
وہ تین چیزیں انسان کے اوقات اختیار بس میں نہیں ہیں. اور جس وقت آپ, میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں, اپنے اندر یہ سمو لیں گے, یو ول گرو دا ونگز, جو رومی جس کی بات کرتے ہیں. نمبر ون, عزت اور ذلت. نو مین ہیز کیپیسٹی اوور دس. نمبر ٹو, رسک لینا اور دینا, انسان کے اوقات نہیں ہیں اتنی. اور نمبر تھری, جان لینا اور دینا. سو وین یو ڈو ناٹ فیئر دا کانسیکوینس اینڈ یو ڈو ناٹ فیئر کہ میرے حق, میرے سچ کے نتیجے میں اگر کوئی پاداش مجھے بھگتنی پڑے, اف آئی ول ہیو ٹو بی سبسروینٹ ٹو دا نارمز آف اے سوسائٹی ایز اپوز ٹو ریزنگ دا فلیگ ایز اے وین گارڈ آف ٹروتھ, دین آئی بیکم پارٹ آف دا ہرڈ, دین اٹ از ناٹ انچارٹرڈ, دین اٹ از کالڈ چارٹرڈ واٹرز. کیونکہ انچارٹرڈ اور چارٹرڈ کا فرق یہ لفظ نکلا ہے نیویگیشن سے. دنیا میں جتنی سویلائزیشن کے اندر کالونیز بنی, ایمپائرز بنے, وہ ایک چیز پہ بنے, بحری بیڑے پہ, دا فلیٹ. جب وہ نیویگیٹ کرتے تھے اور اس کو میپ کرتے تھے, اس کو چارٹرڈ واٹر کہا کرتے تھے. بٹ دس از ریجیمنٹیشن. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از کہ جب میں ہوم لیس ہوا تو پہلی بار ہوا, سیکھا. جیب میں پیسے نہ ہونا, سیکھا. کئی کئی میل پیدل چلنا, پڑھائی کرنے کے بعد, اچھے نمبروں سے پاس ہونے کے بعد, سیکھا. ہاں, انگریزی بھی سیکھ لی. دیٹ واز امپورٹنٹ. یا آئی لرنڈ. سو وائی آئی ایم شیئرنگ دی انچارٹرڈ پارٹ از کہ اٹ از گڈ. ڈونٹ ٹرائی اینڈ ڈسکور ٹو مچ. آنے دو اپنے پاس, وقت پہ آئے گا. لیٹ اٹ کم ٹو یو. اٹ از گڈ ناٹ ٹو نو. نہ جاننا خوبصورت چیز ہے, کیونکہ نہ جاننا, جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے اپنے جمشید, کیوریوسٹی, یہ خوبصورت چیز ہے. یہ آپ میں تجسس پیدا کرتی ہے. کیوریوسٹی لیڈز ٹو اٹینٹیونیس, اٹینشن, وچ لیڈز ٹو انوویشن, اور اوپنز اپ دا تھاٹ پروسیس. سو گو ڈویل, ٹیک اے ڈیپ پلنج ان دیٹ انچارٹڈ واٹر, بیکاز دیر لائز ان دیٹ واٹر دا بیوٹی آف یور سیلف. آپ کی روح, اپنے اندر جاؤ. سب سے بڑا انچارٹڈ واٹر تمہارے اندر ہے, اپنی روح میں. بدلو, سب بدلو, لیکن پہلے اپنے آپ کو بدلو. آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.